नमस्कार, जय माता दी सबको। स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रोबानी में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और आशा करते हैं कि आप सभी को हमारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। आज हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर आप ये मंत्र बोल देंगे, ये जो मंत्र है, ये मंत्र है कि किसी को भी आप अपना गुलाम बना सकते हैं। अब इस मंत्र का प्रयोग आप किस चीज़ के लिए करेंगे और किस तरीके से करेंगे जिससे कि ये उपाय आपको अपना असर दिखाएगा? देखिए, दो बातों में ये उपाय अपना असर दिखाएगा। या तो अगर आप किसी से प्रेम करते हैं, उसे अपने तौर आकर्षित करना चाहते हैं कि वो आपकी बात माने, आपकी बातों को समझे, आपकी आपसे प्रेम करें, तो इस अकॉर्डिंग आपकी बातों को मानने लग पड़े, इस अकॉर्डिंग आप चाहते हैं कि वे आपकी गुलाम बने, तो ये एक अलग मेथड होगा ये उपाय करने का। और दूसरा तरीका क्या है कि अगर आपका कोई दुश्मन है, वह आपको नुकसान पहुंचा रहा है, लेकिन आपकी बातचीत होती है, तो आप चाहते हैं कि वो अब कभी भी आपको नुकसान ना पहुंचाए। कभी कभी हमारे घर के ही लोग ऐसे होते हैं, या हमारे रिलेटिव्स हो गए, या कुछ ऐसे आप आस पड़ोस या कुछ जानने वाले लोग जो हमें नुकसान पहुँचाते हैं। हमें पता होता है कि हमें नुकसान पहुँचाते हैं, लेकिन तब भी हम उनके लिए या उनको नहीं रोक पाते हैं, कुछ गलत कदम नहीं उठाना चाहते हैं, उनको रोक नहीं सकते हैं। तो बड़े आसान तरीके से हम इनके इन इस कामों को, इस चीज़ को रोक सकते हैं, क्या, ताकि वो खुद ही पीछे हट जाए या वो कुछ भी करे तो हमें ही उसका नुकसान ना हो। तो आपको बताते हैं कि आपने क्या करना है। सबसे पहले बताना चाहते हैं कि अगर आप हमसे कोई कांटेक्ट करना चाहते हैं, कुंडली दिखाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। पहले हम पहला मेथड बताएंगे जिसमें अगर आप किसी को प्रेम करते हैं और अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं, अपनी बात मनवाना चाहते हैं और आप बिल्कुल प्योर हार्ट के हैं, आप उसके लिए सीरियस हैं, आप उससे सच्चे मन से प्रेम करते हैं और ये उपाय अपनाना चाहते हैं कि वो आपकी बातों को समझे, माने, तो आप क्या करेंगे? किसी भी तरीके से आपने उसे अपने हाथ की चाय बनानी है, चाय पिलानी है अपने हाथ से, अपने हाथ की बनी हुई। अब आपने उसमें क्या करना है, जब आप चाय बना लेंगे तो आपने, जब आप चाय डाल देंगे उसमें, कप में, तब आपने क्या करना है, बिल्कुल बिल्कुल एक या दो बूंद ही शहद चाय में, एक बूंद डाल दीजिए या फिर दो बूंद डाल दीजिए, आपने उस चाय में डाल देना है मंत्र के साथ। आपने मंत्र बोलना है आकर्षण बीज मंत्र, जो होगा श्री श्री श्री, तीन बार बोलकर, जैसे कि श्री 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 एक बार, श्री 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 दो बार, श्री 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 तीन बार, इस तरीके से आकर्षण बीज मंत्र श्री 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 को तीन बार बोलकर एक या दो बूंद शहद की उस चाय में डाल देनी है और वो चाय आपने उस व्यक्ति को पिला देनी है। किसी भी तरीके से, चाहे घर पर बुलाए, चाहे बाहर कहीं पर हैं, और कोशिश कीजिए कि ऐसी जगह पर हो जहाँ आप खुद चाय बना पाए। अगर आप उसके घर भी जाते तो ये कह दीजिए कि आज मैं चाय बनाता हूँ, या किसी भी रीज़न की वजह से, अब आपको सोचना पड़ेगा आप कैसे कर सकते हैं। तो उसे अपने हाथ की चाय इस तरीके से पिलानी है आपने, किसी भी दिन कर सकते हैं, शाम के समय भी, सुबह के समय, और किसी भी दिन किसी भी समय आप ये उपाय कर सकते हैं, ये आपके प्रेम के लिए। अब दूसरे में जाते हैं जो आपके दुश्मन के लिए है, लेकिन आपकी जान पहचान है, बातचीत होती है, और किसी भी तरीके से चाहते हैं कि अगर वो मेरा कुछ करे भी तो मेरा नुकसान ना हो, चाहे मुझे नज़र लगा रहा है, चाहे कुछ कर रहा है मेरे पीछे, तो उससे आपका नुकसान ना हो, तो आपने ये उपाय करना है। अगेन आपने उसे चाय पिलानी है अपने हाथ की, तो आप उसके घर पर जाके कुछ बहाना करके बोल दीजिए कि मैं चाय बनाऊंगा, या आप उसे अपने घर पर इनवाइट कर सकते हैं चाय के लिए, किसी भी तरीके से बस उसको चाय पिला देनी है। आपने क्या करना, जब आप चाय बना लेंगे तो उसमें हल्का सा, एक चुटकी से भी कम, थोड़ा सा नमक उस चाय में डालना है और मंत्र कहकर डालना है तीन बार। इसमें आपने बोलना है ओम क्री नमः, क्री बोलना है आपने, ओम क्री नमः, ये तीन बार बोलना है, चुटकी भर नमक आपने चाय में डाल देना है और उसे आपने पिला देना। तो इसमें क्या होगा, और ये ध्यान रखें, किसी के ऊपर भी ये ट्राई नहीं करना, कोई आपका दुश्मन है जो आपको सच में लगता है कि आपको नुकसान पहुंचा रहा है, जिसने आपका फ़ायदा उठाया है, जिसने जिसकी वजह से अब तक आप मेंटली भी और फिजिकली भी बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, तो उसके ऊपर आप ये ट्राई कर सकते हैं और आपको लाभ देखने को मिलेगा। तो प्रेम में भी यही, अगर आप सच्चे मन से किसी को प्रेम करते हैं, और दुश्मनी भी ये कि अगर आपको किसी सच में बहुत बड़ा दुश्मन है जो आपका नुकसान पहुँचा रहा है, नुकसान कर चुका है, तो दोनों कंडीशन में आप ये वाला उपाय कर सकते हैं, ये मंत्र बोल सकते हैं और आपको लाभ देखने को मिलेगा दोनों ही कंडीशन में। तो बड़ा ही प्रभावशाली उपाय है, आप इसे कीजिए और आपको बड़ी जल्दी इसका फर्क देखने को मिलेगा। इसी के साथ इस वीडियो कहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, इसे कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।